in advance. She wasn't going to Japan. I put a shit in the van. She gotta move. तो अभी हम मछली को जो है वो साफ करवाएंगे, फिर उसके बाद उसको लेमिनेट करके फिर दो तीन घंटे उसको लेमिनेट करेंगे। लेमिनेट करने के बाद हम उसको फ्राई करेंगे ऑयल में और देन उसके बाद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसी बनी कैसी। और क्रैब्स बोलते हैं, क्रैब्स फीमेल क्रैब्स हैं ये। अगर आप खाना चाहते हैं तो हम आपको ये भी खिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद इनके पास है लहाला, शार्क भी है, शार्क फिश है। वाह भाई वाह, पूरी शार्क रखी हुई है। अब शार्क को कौन खाता है ये, आई डोंट नो। खा के शार्क वाली फीलिंग आती होगी। फिर ये किंग फिश है, ये शेरी है। ये एक मछली होता है जो दरिया में जब होता है, दरिया का पानी अगर इधर को जाता है तो मछली इधर को। कौन सा? सैल्मन फिश। सैल्मन फिश, वो सैल्मन फिश पानी आने का जगह ऊपर भी जाएगा। आए वाह वाह, वो लिवर में नीचे भी जाएगा। वो मिलता है आप? वो 75 रियाल किलो का। वो इंशाल्लाह अगली दफा वो ट्राई करेगा। आपको चाहिए तो उस तरफ रिटेल मार्केट में जाओ, उधर मिलेगा। ठीक हो। अच्छा ये देखते हैं इनके पास जैश, वो दिखाओ ना, वो कारी का। ये तो फिश साफ कर रहे हैं, इसमें से हमने कांटा निकलवा दिया फिश के अंदर से, क्योंकि कांटा अगर फंस गया तो मुश्किल हो जाएगा। फिर इसका हमने क्योंकि रोस्ट करना है, थोड़ा रोस्ट करना है, जिस वजह से हमने इसको उसके पीसेस जो हैं उसके साथ से रखवाए। तो अब इसका कांटा कैसे निकल रहा तो देखते हैं। उसके बाद इसके मसाले वगैरह हम खुद बनाएंगे, सारा कुछ लेमिनेट करेंगे उसको प्रॉपरली और उसके बाद हम उसको फ्राई करेंगे। अब वो थोड़ा सा उतर ही नहीं, क्या है काफी है। बहुत
अच्छा अच्छा, ये स्मेल खत्म करने के लिए ना हम इसमें नमक डाला है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से ना हम इसको कर रहे हैं, थोड़ा इसमें गच मच जाए। इसको ना 5 मिनट पड़ा रहने हैं। के साथ पेस्ट के साथ और जो था हमने लेमन डाला था एक स्मेल को ख़त्म करने के लिए, अब इसको हम जो इसका एक एक चीज़ जो है अच्छे तरीके से करें ताकि स्मेल जो है खाते टाइम स्मेल ना आए, तो उसके लिए फिर हमने इसको अब वॉश कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ये वॉश की बना रहे हैं ताकि मछली की जो फिश है उसकी स्मेल को खत्म करने के लिए। अच्छा, अब ये लेमन डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने लहसुन का वो पेस्ट बना के डाला है, लहसुन अदरक का। अब ये हम इसकी स्मेल खत्म करने के लिए अब ये हम लेमन इस पर डाल रहे हैं। कोई लेमन जो होता है लेमन का वाटर निकाल के डालते हैं, लेकिन हम वैसे ही डाल रहे हैं क्योंकि हम इसके बाद हमने इसको वॉश करना है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी अजवाइन डालेंगे, थोड़ी जगह लेंगे ना इसको। अब इसमें थोड़ी अजवाइन ऐड की है, कर दिया। अच्छी तरह से इसको हम थोड़ा शेक वगैरह कर लेंगे ताकि इसकी थोड़ी स्मेल खत्म हो जाए। ये अब मैं इसका वो बनाने लगा हूँ पेस्ट। ये इसमें मैंने दही डाला है, ये अहमद का फिश मसाला है, और एक हम नेशनल का फिश मसाला लेके आए हैं। उसके अलावा ये हम लहसुन की पेस्ट बनाएंगे जो उसकी जो स्मेल वगैरह है तो उसको ख़त्म करने के लिए अजवाइन डालेंगे। फिर उसके बाद हमने विनीगर को उसको जल्दी पकाने के लिए विनीगर लगाना है उसको। अच्छा, दही में हमने मसाला मिक्स कर लिया, हम उसको अच्छी तरह जो है फेंट लेंगे, शेक कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये हल्का हल्का वाइट वाइट लग रहा है, आप इसमें थोड़ा सा और मसाला डाल लें। विनेगर डाल के ना 2-4 मिनट 5 मिनट हम इसको रखेंगे ताकि ये जल्दी फ्राई हो जाए, ठीक है। ये विनेगर लग गया, अब 2-4 मिनट इसको रखेंगे। लेमिनेट करेंगे ये पेस्ट जो हमने बनाया।
Thank you.
थोड़ा दूर हो जाते शार्क। फर्स्ट दफ़ा बनाई है, पहली दफ़ा ट्राई की है, लेकिन माशाल्लाह मसाला और फ्राई बड़ी अच्छी हुई है। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा।